इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। कल पेश होगा सबसे बड़ा बजट। कल बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और चार नए औद्योगिक गलियारों के लिए बजट संभव है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए उम्मीद है। गोरखपुर काशी मेट्रो के लिए बजट संभव है। प्रयागराज मेट्रो के लिए मिल सकता है बजट। बजट में कुंभ के लिए भी हो सकता है प्रावधान। धार्मिक स्थलों के विकास पर दिखेगा फोकस। एक्सप्रेसवे के लिए भी आवंटित हो सकता है बजट। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए। विशाल, कल सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल, यूपी सरकार का कल सबसे बड़ा बजट पेश होने वाला है और इसको लेकर जो है यूपी सरकार की तरफ से तैयारी कर ली गई है वित्त विभाग की तरफ से। और ये माना जा रहा है कल का बजट का जो आकार होगा वो पिछले बजट से कई ज़्यादा बड़ा होगा और अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये पूरा बजट होगा। चूंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तमाम चीज़ों को लेकर भी जो है उत्तर प्रदेश, चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा चुनाव की में 80 सीटें हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी बीजेपी की तरफ से ये जो पूरा बजट सरकार की तरफ से आएगा इस पर कई चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा, इसके साथ साथ जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनके मध्य पैसा ला सकते हैं, कुछ नई योजनाओं के मध्य पैसा लाया जा सकता है। और कल यह माना जा रहा है कि यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है वो सदन में पेश होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज मेट्रो के लिए मिल सकता है बजट। इसके अलावा बजट में कुंभ के लिए भी प्रावधान हो सकता है। धार्मिक स्थलों के विकास पर भी फोकस रह सकता है और एक्सप्रेसवे के लिए भी आवंटित हो सकता है बजट।